हेलो एवरीवन वेलकम टू क्लास बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी टॉपिक इज बिल्स ऑफ एक्सचेंज इलेन की सीरीज स्टार्ट की है हमने बच्चों आज करना है इलेस्ट्रेशन टू प्रीवियस वीडियो आई बटन में है डिस्क्रिप्शन में सारे टॉपिक के लिंक है प्ले लिस्ट बना के रखा है वहां से चेक करें सो बिगिन विद इलेन टू इलेनर के बारे में है पहला ऑनर के बारे में है गौतम सोल्ड ऑफ फोर्टी थाउजेंड टू हर्ष ऑन फर्स्ट मे नाइनटीन पहली बार समझने का गौतम ड्रॉवर है जो यहाँ लिखा भी है गौतम ड्रॉवर ऑफ हर्ष क्या बन गया ड्रॉवी गुड सोल कितने का हुआ फोर्टी का डेट ऑफ सेल्स क्या है फर्स्ट में नाइनटीन फॉर दिस पर्पज गौतम ड्रो अ बिल ऑन हर्ष फॉर टू मंथ फर्स्ट में और दो महीने का क्रेडिट पीरियड है इसका मतलब है ड्यू डेट आएगा मे के बाद जून जुलाई जुलाई के बाद यहाँ पे तीन दिन ग्रेस चार जुलाई हॉर्स एक्सेप्टेड द सेम एंड रिटर्न टू गौतम ऑन मेचोरिटी द बिल वॉज डिजॉनर्ड पहला इलेट्रेशन ऑनर्ड के बारे में बताया था ये इलेन डिजॉनर के बारे में इन द बुक्स ऑफ गौतम एंड हर्ष दोनों के बुक में जन एंट्री बनानी है अंडर द फॉलोइंग सरकमस्टेंस सिचुएशन दिया गया है पहला सिचुएशन है कि गौतम ने बिल रिटेन किया है दूसरा सिचुएशन में बिल डिस्काउंट हुआ है ट्वेल्व परसेंट पर एनम पे ऑन फॉर जून नाइनटीन अब पर एनम यानी बारह महीना हुआ बिल्स ऑफ एक्सचेंज में कोई भी कैलकुलेशन बारह महीने का नहीं होता है इट्स डिपेंड ऑन द क्रेडिट पीरियड दो महीना मगर एक क्वेश्चन और है यहां पे कि डिस्काउंट करने के लिए हम बैंक के पास जून में गए बिल बना था मई में, में। मई और जून एक महीना क्रॉस हो गया तो आपका जो डिस्काउंट पीरियड रहेगा वो सिर्फ और सिर्फ एक महीने का रहेगा तो इसको जहन में रखना फिर थर्ड में है बिल सेंट टू तो बैंक फॉर कलेक्शन है इसका भी डेट दिया हुआ है हेडिक नहीं इसमें कैलकुलेशन नहीं है मगर ध्यान देना कि सेंट फॉर कलेक्शन पंद्रह मे को है फिर चौथा ऑप्शन में है एंडोस करना है क्रेटर जो भी है आर नौ को तो चार ऑप्शन है पहला नॉर्मल सेल्स की एंट्री पास करेंगे फर्स्ट मे को सेल्स की एंट्री क्या है बच्चों हम किसके बोस होल्ड कर रहे हैं हर्ष को तो डेबिट द रिसीवर तो हर्ष अकाउंट डेबिट टू सेल्स सेल्स नॉमिनल है ये हमेशा क्रेडिट में आता है क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन फिर दूसरी एंट्री हम बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड की पास करेंगे ये भी फर्स्ट मे को होगा हमारे पास बिल आ रहा है बिल रिसबल अकाउंट डेबिट टू कौन दे रहा है हर्ष दे रहा है बिल रिसबल टू हर्ष अब जाते हैं ऑप्शन नंबर ए में रिटेन था टिल द मेचोरिटी मेचोरिटी डेट अभी बताया था मैंने क्या बताया था फोर्थ ऑफ जुलाई अब ड्यू डेट पे पहला बिल रिटेन था यानी बिल ड्रावर के पास ही था डिजॉनर में हमेशा वर्ड याद रखे बिल आपको रिटर्न करना होता है कैंसल बिल रिटर्न करना होता है किसको रिटर्न करना है ड्रॉवी को और यहाँ पे ड्रॉवी को ने बच्चो हर्ष हर्ष अकाउंट डेबिट बिल रिसीवेबल सेम अमाउंट के साथ रिटर्न करेंगे बिल डिसेबल का अमाउंट जो रहेगा उस पर ध्यान देना पहले ऑप्शन के बाद है दूसरा ऑप्शन डिस्काउंट तो पहले आपको डिस्काउंट की एंट्री पास करनी है फिर डिजॉनर की एंट्री पास करनी है डेट इसका भी वो ही रहेगा डिजॉनर का मगर डिस्काउंट का डेट रहेगा फर्स्ट ऑफ जून तो ये चीज को ध्यान देना फर्स्ट ऑफ जून को पहले डिस्काउंट के एंट्री पास कर देंगे बारह परसेंट है चालीस हजार पे मगर सिर्फ और सिर्फ एक महीने के लिए कैलकुलेशन समझना चालीस हजार पे बारह परसेंट एक महीने के लिए इट कम्स टू फोर हंड्रेड यानी जब हम बैंक से डिस्काउंट किए तो ये चालीस हजार के बदले में आपको मिल रहा है थर्टी नाइन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड तो पैसा आ रहा है हमारे पास थर्टी नाइन सिक्स हंड्रेड डिस्काउंट हो रहा है चार सो का और बिल का अमाउंट तो सेम ही रहेगा अब डिस्काउंट करने के बाद अब इसको डिजॉनर करेंगे ड्यू डेट पे ड्यू डेट एक बार निकाल दिया वही रहने वाला है यानी फोर्थ जुलाई डिजॉनर हो रहा है डिजॉनर में हमेशा ड्रॉवी डेविड इसको याद रखना बच्चों तो यहां पे भी ड्यू डेट में डिजॉनर पहले हर्ष आएंगे और बिल किसके पास है अब बिल बैंक के पास है तो बैंक का नाम आएगा बिल अगर आपके पास है तो बिल रिसेबल लिखने का पहला ऑप्शन क्या था बिल रिटेन बिल हमारे पास ही है तो बिल रिसेबल आपका नाम लिख नहीं सकते अब ऑप्शन टू में बिल किसको के पास चले गया था बैंक के पास तो यहां पे हमने बैंक को क्रेडिट किया तो डिसऑनर में ये चीज समझना डेबिट तो ड्रॉ भी रहेगा क्रेडिट वो रहेगा जिसके पास बिल है आपके पास बिल है तो आपका नाम नहीं है इसीलिए बिल रिवेबल यहाँ पे बिल बैंक के पास है तो बैंक का नाम आएगा अभी देखो थर्ड में क्या है कलेक्शन है तो थर्ड वाला डिजॉनर क्या रहेगा हर्ष टू कलेक्शन फिर फोर्थ में बिल आरन के पास है तो फोर्थ वाला डिजॉनर में हर्ष टू अर्नो तो ये चीज सिंपल है डिजॉनर तो बहुत सिंपल है डिजॉनर में ड्रॉवी हमेशा डेबिट और क्रेडिट वो होता है जिसके पास बिल है एनिओ बच्चों आगे चलते हैं आगे है हमारा सी हम अबे कलेक्शन यानी एक एजेंट है बैंक फॉर कलेक्शन क्या हमारा एक एजेंट है तो आप एजेंट को बिल दे रहे हो पहला तो देना पड़ेगा पंद्रह मई दो हजार उन्नीस को एजेंट को बिल दे रहे तो एजेंट के पास बिल जा रहा है कलेक्शन बैंक फॉर कलेक्शन और बिल जा रहा है क्रेडिट आउट तो बिल बिल सेंड फॉर कलेक्शन अब इसको डिजॉनर करेंगे डिजॉनर सेम है क्या बताया था हर टू बैंक फॉर कलेक्शन लिखना है डिजॉनर हमेशा ड्यू डेट पे होगा तो हमारा ड्यू डेट तो हमने निकाल दिया था एक बार फोर्थ ऑफ तो जुलाई अब इसको डिजॉनर करेंगे क्या करेंगे हर शिकाउ डेबिट टू बिल्स एंड फॉर कलेक्शन तो डिजॉनर ये घटी घटी से वर्ड आ रहा है इसको समझना कभी भी डिजॉइनर आएगा ड्रॉवी ही डेबिट रहेगा क्रेडिट वो रहेगा जिसके पास बिल है ऑप्शन डी में जाते हैं पहले एंडोस करते हैं यानी एंडोस यानी हम इसको बिल ट्रांसफर कर रहे हैं दे रहे हैं हमने जैसा ड्रॉवी को उधार पे सेल्स किया था उसी तरह से हम भी किसी के पास जाके उधार पे गुड्स लेके आते तो यहाँ पे हमने आर के पास से गुड्स लेके आया था उधार पे तो अब पहला पैसा मांगने आ गया वो आर तो अपने पास पैसा नहीं है तो अपने पास बिल पड़ा हुआ था ना पहले देखो बिल ड्रॉन एक्सेप्टेड तो ये बिल पड़ा हुआ है तो हम क्या कर रहे को बिल दे रहे हैं डेट वगैरह यहां पे नहीं दिया हुआ है तो वी वीर टू कंसीडर फर्स्ट मे ओनली तो फर्स्ट मे को आर्नो को बिल एंडोस कर रहे हैं दे रहे हैं आर रिसीवर बन गया आर टू बिल रिसीवेबल अब इसको आपको डिजॉनर करना है अब बिल किसके पास है आर हर्ष अकाउंट डेबिट टू आर अकाउंट ड्यू डेट पे ही डिजॉनर होगा ड्यू डेट तो हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है फोर्थ ऑफ जुलाई हर्ष अकाउंट डेबिट टू आर अकाउंट तो ये चीज समझानी थी डिजॉनर में कि डिजॉनर में ड्रॉवी डेबिट होगा क्रेडिट वो होगा जिसके पास बिल होगा आपके पास है तो बिल रिस बैंक के पास है तो बैंक कलेक्शन के पास है तो कलेक्शन एंडोसी के पास है तो एंडोसी का नाम आएगा तो होप्सो आपको ड्रॉवर का एंट्री समझ में आ रहेगा इसका दूसरा क्वेश्चन था कि भाई जनरल एंट्री हर्ष के बुक में भी पास करो हर्ष ड्रॉवी है ड्रॉवी से ये सबसे कुछ लेना देना नहीं है इसको याद रखना ड्रॉवी का भी सिचुएशन बन रहे कस्टमर एज ए डेटर हम बन के बात करें तो पहला चीज तो क्या हुआ था data ने purchase किया था, पहले चीज वो समझे तो ये एंट्री लेके आप उन पास कर सकते हैं तो यहाँ पे देखो मैंने एंट्री बनाई हुई है बच्चों, हर श्रॉवी जो है एंट्री पास करनी देखो पहला सेल और परचेस होता है तो पहला एंट्री तो कॉमन ही रहेगी रिवर्स कर देना आपको तो एंट्री क्या बनेगी यहाँ पे रिवर्स कर रहे हैं तो अपना गौतम क्रेडिट में आएगा परचेज डेबिट में आएगा डेट सेम ही रहेगी फर्स्ट ऑफ में परचेज अकाउंट डेबिट टू गौतम अकाउंट रिवर्स किया इसको और दूसरी एंट्री भी सेम आएगी अपना बिल्ड्रॉन एक्सेप्टेड की ये भी ड्रॉवी से रिलेट हो रहा है डायरेक्ट फेस टू फेस बात हो रही है तो ये एंट्री को भी आप रिवर्स कर देंगे यानी गौतम अकाउंट टू तो बिल्स पेबल डेट विल रिमेन सेम गौतम अकाउंट तो बिल्स पेएबल। अब डायरेक्ट डेट की बात होती है ड्यू डेट में ड्रॉवी के पास वो ही जाएगा जिसके पास बिल है तो अब सबको चार जन के पास बिल हो पांच जन के पास बिल लो ऐसे कोई लेना देना नहीं है ड्यू डेट का आएगा डिजोनर वर्ड आएगा तो ड्रॉवी के पास बिल आने वाला है और बिल लेके जाने का जो जिम्मेदारी है वो हमेशा ड्रावर की ही रहती है भले आपने बिल बैंक को बेच दिया हो या कलेक्शन के पास हो या आर के पास हो तो जब डिजॉनर होता है तो ये चार तीनों बंदे हैं बैंक बैंक फॉर कलेक्शन ये तीनों भी आप ही के पास आएंगे और कहेंगे कि भाई ड्रॉवी ने बिल का पेमेंट नहीं किया तो अल्टीमेटली बिल आप ही के पास आएगा और आप बिल लेके जाओगे ड्रॉवी के पास तो पहले ड्यू डेट समझे फोर्थ जुलाई था तो बिल्स पेबल टू गौतम यहां पे ना ही बैंक लिखना ना कलेक्शन लिखना ना आर लिखना क्योंकि डिजॉनर के बाद कोई भी थर्ड पर्सन ड्रॉवी से झगड़ा नहीं करेगा वो आप ही के पास आएगा बोले भाई आपने बोला था कि ड्रॉवी देगा पेमेंट मगर पेमेंट नहीं दे रहा है तो ये थर्ड पर्सन ड्रॉवी से झगड़ा नहीं करेंगे उनका रिलेशन तो आपके साथ एज ए ड्रॉवर तो वो तीनों बिल आपके ला के दे देंगे और बोलेंगे कि भाई आप देखो आपका काम है तो फिर आप ही बिल लेके जाओगे इसको याद रखना ये स्टैंडर्ड एंट्री है ड्रॉवी के बुक में इसको चेंज नहीं कर सकते बिल्स पेबल टू ड्रॉवर डिजॉनर की एंट्री जबकि यहाँ आप डिजॉनर देखेंगे हर एक जगह चेंज होता गया यहाँ पे बैंक आया है यहाँ पे आर नो कलेक्शन आया है फिर आर नो आया मगर ड्रॉवी के बुक में ऐसा नहीं है बच्चों इसको याद रखना मैंने बेसिक में भी बताया था कि डिजॉनर में हमेशा ये एंट्री एक ही रहती है मैं आपको फॉर्मेट एक बार फिर बताता हूँ बच्चों तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फॉर्मेट देखो डिजॉनर वर्ड है यहाँ पे तो ड्रॉवी डेबिट है क्रेडिट या तो बिल रिसीवल या तो बैंक या तो एंडोसी या तो कलेक्शन मगर ये एंट्री यहाँ पे देखो फिक्स है बिल्स टू तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है इसीलिए इसको अलग से करके बताया गया तो यहाँ पे वो चीज को आपको समझना है तो होप्सो डिजॉर्नर का फंडा क्लियर हुआ रहेगा बच्चों इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे थैंक यू थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो गॉड ब्लेस यू